प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सवाल था, चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? विकल्प थे आवट, आहट, नहट या फिर चिक। तो इसका सही उत्तर था विकल्प बी, आहट। चलिए अब आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कालिदास, मुनि, आयाम अथवा गरिमा। सही उत्तर होगा विकल्प सी, आयाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का सही युग्म नहीं है मेधावी, प्रज्ञावान, मेढक, मंडूक, रंग, अकिंचन अथवा व्यष्टि, समष्टि। तो सही विकल्प है विकल्प डी, व्यष्टि, समष्टि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रशंसक का विलोम शब्द है निंदक, मूर्ख, विपक्ष अथवा पतन। सही विकल्प होगा विकल्प ए, निंदक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आम्र, आशा, आधा अथवा अष्ट। सही विकल्प है सी, आधा। आगे बढ़ेंगे। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द है अथक, अंतेवासी, गुरुकुल अथवा कुल। उत्तर होगा विकल्प बी, अंतेवासी। अगला प्रश्न, पावन, पवन श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पवित्र, वायु, वायु पवित्र, विशेष, मुख्य अथवा कुरूप, सुंदरता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पवित्र, वायु। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से नयन में कौन सी संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि अथवा अयादि संधि। तो उत्तर होगा विकल्प डी, अयादि संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिधान का अनेकार्थी शब्द नहीं है नाम, शब्दकोश, उक्ति अथवा पृथक। तो उत्तर होगा विकल्प डी, पृथक। आगे बढ़ते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, अव्ययीभाव समास अथवा कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कर्मधारय समास। अब 10वां और अंतिम प्रश्न, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ए, मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। बी, उन्होंने हाथ जोड़ा। सी, हमने पढ़ा था अथवा डी, मैंने जाना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, हमने पढ़ा था। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं।
हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है ए झगड़ना, बी प्रयत्न करना, सी चोरी करना अथवा डी चापलूसी करना। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।